साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर के उन रहवासियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है जो कि लंबे समय से अपनी कॉलोनी को अवैध होने का सपना देख रहे थे। अब ग्वालियर नगर निगम ने 100 नई अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कवायद तेज कर दी है। बता दें कि शहर की लगभग 429 अवैध कॉलोनियों में से 110 अवैध कॉलोनियों को पहले ही किया जा चुका है वैध, वहीं अब दूसरे फेज में नई अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाना है। इसको लेकर संबंधित क्षेत्र के भवन अधिकारी और पटवारी मौके पर मुआयना और प्रकरण तैयार कर रही हैं। संभावना है कि इस महीने के आखिरी तक इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही 100 नई अवैध कॉलोनियां वैध हो जाएंगी। ग्वालियर में लगभग 450 ऐसी अवैध कॉलोनीज हैं जिसको वैध करने की कार्रवाई चल रही है। फर्स्ट फेज में हमने 110 जो कॉलोनीज को वैध कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट फेज है कि जो बाकी बची हुई है उसको भी अपन अलग फेजिंग में कर रहे हैं। प्रोसेस स्टार्ट है, उसका नोटिफिकेशन निकलता है, ऑब्जेक्शंस आते हैं लोगों के, फिर उसके बाद में हम हियरिंग करते हैं, उस पर एस्टिमेट्स वगैरह बनते हैं। एस्टिमेट बनने के बाद में जैसे कितना अमाउंट की राशि जो होती है वो चीज़ आती है, तो एक बार वो एरिया जब नोटिफाइड हो जाता है हम उसको लीगल कर देते हैं, तो उसके बाद उनको भी रहने में आसानी रहती है, कंफर्ट रहता है, हमारे लिए भी आसान रहती है। हमारे भी प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स और दूसरे टैक्सेस होते हैं उनमें इशू कर देते हैं, वहाँ पे वैध अनुमति देना प्रारंभ हो जाता है। तो हम भी चाहते हैं और जनता जैसे शासन की मंशा भी है कि लोग फील करें कि द लिविंग लीगलाइज कॉलोनी।